सुना हूं पर अच्छा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस समय हम नेशनल हाईवे पर खड़े हैं। ये नेशनल हाईवे रोजाना इस पर तकरीबन हजारों लाखों व्हीकल एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, जिन पर जिन्हें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था या दिल्ली से अगर बात करें अमृतसर की तरफ जाना होता था, तो यहाँ पर जो वाहन है लगातार आवाजाही करते हुए नजर आते थे। चाहे वो बाइक की बात करें या गाड़ी की बात करें या ट्रक की बात करें, लेकिन अब ये सूना पड़ा है। अच्छी बात है, ये सूना है, इक्का दुक्का वाहन नेशनल हाईवे पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो फिर प्रशासन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुसीबत इसलिए क्योंकि प्रशासन आपके लिए सड़कों पर है, पुलिस आपके लिए सड़कों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कह दिया है कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है 21 दिनों तक, यानी कि 14 अप्रैल तक आप घर से बाहर मत निकलिए। प्रशासन आप तक पहुंचेगा, आपके लिए खाना तक पहुंचाएगा, यानी कि जो राशन का सामान है वो आपके घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो सब्जी होगी वो भी पहुंचाने की कोशिश करेगा। करनाल की अच्छी खबर ये है कि अभी तक यहाँ पर एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, यानी कि कुल 23 ब्लड सैंपल लिए गए थे संदिग्ध मरीजों के, जिनमें से 17 की रिपोर्ट आ चुकी है और 6 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जिनका कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल और सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे करनाल शहर की बात करें तो नाकेबंदी कर दी गई है। IAS ऑफिसर वहाँ खड़े हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहाँ पर खड़े हैं, पुलिस अधिकारी हैं वो वहाँ पर खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें परेशानी होगी, आप लोग उनका सहयोग कीजिए, राज्य सरकार का सहयोग कीजिए, केंद्र सरकार का सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके लिए डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी सड़कों पर हैं, अस्पतालों में हैं, मीडियाकर्मी आपको हर रिपोर्ट दे रहे हैं। और इस हाईवे की बात करें तो टोल टैक्स से लेकर जो तमाम जो सड़कें बनी हुई हैं वो सूनी नज़र आ रही हैं। अच्छी बात है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से आप सहयोग करते रहिए, क्योंकि अगर करनाल के अंदर कोई स्थिति ऊंच चूक होती है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा फिर आम पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं या iOS फ़ोन यूज़र हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें इस चीज़ की तो आपको हर अपडेट हम अपने ऐप के जरिए भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल मिड्डा भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कमल, इस हाईवे पर रोजाना हम देखते थे कि कितने वाहन इधर से उधर जाते थे, चाहे चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़, लेकिन फिलहाल स्थिति कुछ और नजर आ रही है। हिमांशु, बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह की सख्ती बरती गई है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीधे और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि खतरा बड़ा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने भारत को सुरक्षित देखना, जिस तरह से विदेशों में आज हमारे जो लोग हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की जान गई है, किस तरह से जो है वो भी कितने दिनों से लॉकडाउन है, अपने घरों में है, तभी जाकर कहीं ना कहीं जो डेथ्स का आंकड़ा था उसको रोका गया है। इटली की अगर बात करें, चाइना की अगर बात करें, अमेरिका की अगर बात करें, वो लोग अपने घरों में 10 से 15 दिनों से लॉकडाउन हुए हैं, तभी जाकर इस कोरोना वायरस की जो बीमारी फैल रही थी उसको रोका गया है। ना जाने और कितना आंकड़ा जो था मौतों का वो ज्यादा आगे जा सकता था। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से लगातार अपील कर रहा है, प्रशासन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल दोबारा से क्यों आना पड़ा? उनको लगा, उनको WHO ने आगाह कर दिया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि देश में, भारत की अगर बात करें, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जिस तरह से 600-700 मामलों से ऊपर मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, डेथ रेट जो है बढ़ती जा रही थी, 5 थी 6 थी 7 थी और इससे आगे जा रही थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लगा कि अगर अब बढ़ा, अगर अब कोरोना वायरस अगर बढ़ता है थर्ड स्टेज पे, तो उसको रोक पाना आसान नहीं होगा, उसको रोक पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसलिए 21 दिनों का जो है लॉकडाउन किया गया है और प्रशासन पूरी सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। करनाल जिला प्रशासन का, करनाल SP का, करनाल DC का, करनाल के तमाम पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का सल्यूट करते हैं, जो सुबह से लेकर रात तक जो है इसी तरह से जो है लगे रहेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, सावधानी जरूर बरतिएगा, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोशिश आप ये कीजिए, घर पे जितना भी आप राशन
बनाते हैं, जितना भी खाना बनाते हैं उतना बनाइए जितना आप खाया जाए, वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए। इस समय आपको असली कीमत जो है वो राशन की पता चलेगी, खाने की पता चलेगी, रोटी की पता चलेगी, पानी की एक एक बूंद की आपको अहमियत इन 21 दिनों में पता चलेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपके इलाके में पानी की पाइपलाइन खराब हो जाती है तो आप अंदाजा लगाइएगा कि पानी की पाइपलाइन ठीक होने में कितने दिन लग सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पानी इस समय बहुमूल्य है, उसको बचाना है। आप घर बैठिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नौजवान घर बैठे अपनी मोटरसाइकिलों को अपनी गाड़ियों को धोते रहें। 21 दिन आप आज ही शपथ लीजिए, 21 दिन आपने अपना कोई भी व्हीकल को धोना नहीं है, पानी बिल्कुल भी एक बूंद भी खराब नहीं करना है। अगर आपने एक शख्स ने भी अगर गाड़ी धोई या एक शख्स ने भी मोटरसाइकिल धोई तो हम समझ जाएंगे कि वो भारत से प्यार नहीं करता है, वो करनाल से प्यार नहीं करता है। तो बार बार हम आपको कह रहे हैं ये जरूरी चीजें हैं, इनका उपयोग आप करना सीखिए। गैस सिलेंडर है उसका लिमिट उपयोग कीजिए, कोशिश कीजिए अगर आपके घर में ओवन है ओवन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस हालांकि किसी कीमत पर प्रशासन की तरफ से कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं उनको जितना आप बचा सकते हैं उतना बचाइए। अगर आपके 100% गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए अगर आपके घर में एक्सटेंशन चूल्हा है जो बिजली वाला चूल्हा है 20-30% आप उसका भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं बराबर बैलेंस जरूर रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं एलपीजी की जो कल को शॉर्टेज हो सकती है तो उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा सकता है। और उन लोगों की मदद करनी भी जरूरी है जो गरीब तबके से आते हैं, जिन जो रोजाना पैसे कमाते थे और उसके बाद दुकान पर जाकर राशन खरीदते थे, और साथ ही साथ उन लोगों तक आप राशन पहुंचाइए, सब्जी पहुंचाइए, जिनके घर में एक एक रोटी की कीमत जो है लगातार देखने को मिलती है कि उन्हें मुश्किल से मिल रही होती थी। इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको जो है पब्लिक के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए काम करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी भारत के उस हर नागरिक की है जिसने कोरोना वायरस से जंग लड़नी है। जंग तभी लड़ी जाएगी जब एकजुट होकर यहाँ पर साथ लोग आएंगे, प्रशासन आएगा, राज्य सरकार आएगी, क्योंकि हम लगातार वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इटली के, जर्मनी के, अमेरिका के, चीन के, आपने अस्पतालों की हालत देखी होगी, आपने वहाँ की हालत देखी होगी जहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर हालत देखी होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मौत का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा लगातार जो बढ़ रहा है उसे किस तरह से वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इटली और चीन में जो मौत का आंकड़ा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। हमने वीडियोस भी बहुत देखी कमल, किस तरह से लोगों को अभी भी जो है ये जो पालन है वो करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन जान है तो जहान है, ये बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। हिमांशु बिल्कुल अगर बात करें हमारी पीढ़ी की तो इस पीढ़ी ने इस बार जो कर्फ्यू है वो पहली बार देखा है, हमने खुद पहली बार देखा है, लेकिन अगर बात करें हम अपने बुजुर्गों की, हम अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो पहले इस दौरान जो है युद्ध के दौरान या 84 के दौरान जो है इस तरह के कर्फ्यू लगते रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को आदत है, उन्होंने देखा हुआ है कि किस तरह से एक एक रोटी के लिए वे तरसा करते थे, एक एक दिन दो दो दिन हो जाते थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते थे कि जब कर्फ्यू लगता था तो किस तरह से उनको पानी की एक एक बूंद को बचाना पड़ता था, क्योंकि उस समय ये तमाम संसाधन, ये इजी डे, ये बड़े बड़े शोरूम, ये बिस्लेरी की बोतलें, ये सब कुछ सुविधाएं प्रशासन के पास, इतनी सुविधाएं, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं उस समय सबसे ज्यादा जो कर्फ्यू होता था उसमें लोगों को अकल आती थी कि किस तरह से अन्न की बर्बादी नहीं करती है। तभी आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग थे, आपके माता पिता हैं, वो आपको ये जरूर जो है संस्कार देते हैं कि अन्न को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, खाने को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, करनाल की हर बड़ी अपडेट, करनाल की हर बड़ी खबर आपके पास पहुंचाएंगे, क्योंकि फेसबुक ने हर लाइव पर पाबंदी लगाई हुई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की ऐप है, आज ही आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूजर हो, चाहे आप iOS फोन, एप्पल फोन यूजर हो, करनाल ब्रेकिंग न्यूज लिखकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। हर अपडेट शहर से जुड़ी हुई, जो भी अधिकारी आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता है वो मैसेज हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, तुरंत आपके पास वह मैसेज पहुंचेगा जैसे ही हम अधिकारी से लाइव जुड़ेंगे या हम खुद लाइव आकर जानकारी देंगे। अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया होगा तो तुरंत आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा, तो ताकि उस खबर को आप देख सकें, उस खबर को शेयर कर सकें। इसलिए बार बार आप सभी से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि जिस किसी ने अभी
तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज की ऐप को इंस्टॉल करें। और हम दूसरी बड़ी बात बताना चाहेंगे, प्रशासन ने एक दान केंद्र बनाया है परनामी मंदिर, जो मॉडल टाउन में है, जहां सीएम कैंप ऑफिस हुआ करता था उसके सामने। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी राशन सामग्री दान पुण्य करना चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आपके गली का कोई एक नौजवान वो आपके घरों में से राशन इकट्ठा करे और उस गाड़ी को भरकर एक ही गाड़ी में ले जाकर सारा राशन आप वहां पर दे सकते हैं। दूसरा, हम भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो टीम है वो इस तरह की हेल्प के लिए आपके बीच में आएगी। और आपसे भी हम अपील करेंगे, हम इस समय आप देख सकते हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो नवरात्र के दौरान जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो निकला करते थे, वो किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट ली होगी, क्योंकि सड़कों पर जो है व्हीकल्स का चलना इतनी ज्यादा मंजूरी नहीं है, परमिशन नहीं है। चाहे नवरात्रों में भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप अपने घर में रहकर एक तस्वीर को माता जी की रख के जय माता दी और उस तरह से जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। आप मंदिरों में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे बगैर मतलब के, बगैर कोई इमरजेंसी के, अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपका व्हीकल्स इंपाउंड होगा, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, किसी तरह की परेशानी प्रशासन की तरफ से आपको कोई नहीं आने दी जाएगी। दूसरी मेन बात मैं आपको जो कर रहा था कि अगर आप चाह रहे हैं आप उन हजारों परिवारों को जिनकी रोजी रोटी रिक्शा चलाने से, मेहनत मजदूरी से चलती थी, उनके घर तक अगर आप राशन पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस 21 दिन में अगर 500 हजार रुपए का भी राशन इकट्ठा करके अगर आप उन तक पहुंचाओगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन हजारों लोगों का पेट जो है आपके उस 500 रुपए से भर सकता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है, अगर आप किसी भी गली मोहल्ले के रहने वाले हैं, किसी भी सेक्टर के रहने वाले हैं, महिलाओं से अपील करता है, कहीं ऐसे महिलाओं के क्लब है, आप अपने लेवल पर आटे की बोरी, चावल, एक किलो दाल, अपने घर से कोई तेल की बोतल, कुछ भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, चीनी इकट्ठा कर सकते हैं। आप गली में से 5-7 घरों की, 10-12 घरों की एक ही जगह जो है उसको इकट्ठा कर लीजिए और उस राशन को आप हमें भी फोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9812001353। अगर पहली बारी में अगर हम फोन नहीं उठाते हैं, किसी लाइव में होते हैं, किसी जरूरी काम से होते हैं, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके घर पर पहुंचने की, लेकिन हमारी अपील है कि आप अपनी गली से, आपके मोहल्ले से सारा राशन इकट्ठा कीजिएगा कि हम एक शख्स का राशन लेने नहीं आएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप उसको कीजिए, आप उस राशन को इकट्ठा कीजिए, राशन सामग्री को इकट्ठा कीजिए, हम उसकी साथ के साथ जो जरूरतमंद है, जो असली जरूरतमंद परिवार है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन तक राशन पहुंचाकर हम उनकी जो तस्वीर है वो भी आपसे साझा करेंगे, ताकि और लोग भी जो है दानी सज्जन लोग और भी आगे आ सके। इसलिए आप हमें भी राशन इकट्ठा कर हमें भी फोन कर सकते हैं। अगर एक एक किलो दाल भी आप इकट्ठा करेंगे, एक एक किलो चीनी भी अगर आप इकट्ठा करेंगे तो भी एक बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए हमारी अपील है कि आप इस खबर को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हाथ जोड़कर अपील है, हाथ जोड़कर घर पे बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे अपील की, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपसे अपील की, प्रशासन अपील कर रहा है, पुलिस प्रशासन आपसे अपील कर रहा है, मीडिया आपसे अपील कर रही है, क्योंकि आपके लिए हम सड़कों पर हैं, आपको हर अपडेट देने के लिए आप हम सड़कों पर उतरे हैं, डॉक्टर्स अस्पताल में हैं। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस नाकेबंदी पर है, आपके लिए है। अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो एक साल की सजा तक संभव है, एक साल की सजा। आप अपने घर बैठिए, नवरात्रे शुरू हो गए हैं, माता का गुणगान कीजिए, माता रानी सबके लिए अच्छा करेगी, क्योंकि देश के लिए अच्छा होना है। इस 21 दिन में अगर हम सब प्रण लेते हैं कि अपने घर में बने रहेंगे, परिवार को समय देंगे, तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर दिया है, संपूर्ण लॉकडाउन, और खाने पीने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन आपके घरों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप है, जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र या iOS फ़ोन यूज़र डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर में जाकर, क्योंकि फेसबुक पर कई बार वीडियो अपलोड नहीं होता है या फेसबुक पाबंदी लगा देता है कि आपको लाइव नहीं करना है, तो ऐसे में आपको हर अपडेट करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप पर मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों से सड़कों पर ना निकलिए और उन लोगों की मदद करिए जिनके लिए खाने के लिए एक रोटी और साथ ही साथ जो फल फ्रूट है या सब्जी है वो खाने के मोहताज पड़ जाते हैं, वो खाने के लाले पड़ जाते हैं। आप लोगों से अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रशासन की, करनाल की, पूरे हरियाणा की, भारत की कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट आपको हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने वार्ड के अंदर, एक गली के अंदर राशन इकट्ठा कीजिए,
हर 10 घर 20 घर 30 घर 40 घर अगर राशन इकट्ठा करेंगे तो आप हमारे नंबर पर जो अभी कमल मिड्डा जी ने बताया 98 120 013 53 पर आप फ़ोन कीजिए। बेफिजूल फ़ोन मत कीजिएगा आप कि हमारे घर के बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या ये दुकान खुली है, प्रशासन वो बंद करवाएगा क्योंकि प्रशासन शक्ति से आदेश पालन करने की कोशिश कर रहा है। कच्चा खाना देना है आपको, दाल देनी है जो कच्ची होती है या आपको सब्जी देनी है कच्ची देनी है, आटा दे सकते हैं आप, ये तमाम चीज़ें दे सकते हैं हम आपकी। वो जो आप चीज़ें आप हमें देंगे पूरी कॉलोनी से इकट्ठा करके, हर वार्ड से इकट्ठा करके, वो हम उन लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, उन लोगों तक, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इनकी असली ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन भी इसमें सहयोग करेगा, मीडियाकर्मी भी सहयोग करेंगे और एक एक दाने से ही सागर जिस तरह से भरता है, एक एक बूंद पानी से सागर भरता है, उसी तरह से एक एक दाना अगर इकट्ठा होगा तो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगा जिन्हें इनकी असली ज़रूरत है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो कर्मचारी हैं लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं, रिपोर्टर हैं, हर आपको अपडेट देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि करनाल में स्थिति क्या बनी हुई है, कहां पर प्रशासन मुस्तैद है, कितने संदिग्ध मरीज आ गए हैं, किस तरीके से इलाज चल रहा है। गांव के लोग भी सावधान रहें क्योंकि हमने देखा है कि गांव के अंदर लोग जो है बरगद के पेड़ के नीचे या जो चौपाल होती है वहां पर बैठ के हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं या फिर शाम को सत्संग के लिए औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठिए, वहाँ पर प्रभु का नाम लीजिए, आप अपने घर में बैठिए, वहाँ पर बातचीत कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत कीजिए, इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो इस समय सेकेंड स्टेज में है और संपर्क में आने से फैलता है, जितना ज़्यादा संपर्क होगा संक्रमण बढ़ने का उतना ही ज़्यादा जो है खतरनाक स्थिति पहुँच सकती है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, अपील यही है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सतर्क रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, राज्य सरकार आपके साथ है, केंद्र सरकार आपके साथ है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग, करनाल।